पर। बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने अपने जन चौपाल में क्षेत्र भर से आए सैकड़ों लोगों की समस्या सुना और तत्काल लोगों की समस्या का निराकरण किया। वहीं विधायक जन चौपाल में ज्यादातर पंचायत की परिसीमन, शौचालय निर्माण की भुगतान सहित आदि समस्या शामिल रहे। क्षेत्रीय विधायक चंद्रदेव राय ने अपने जन चौपाल में क्षेत्र भर से जन चौपाल में आए सैकड़ों लोगों की समस्या सुनी और तत्काल लोगों की समस्या का निराकरण किए। विधायक जन चौपाल में ज्यादातर पंचायत की परिसीमन, शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान सहित आदि समस्याएं शामिल रहे। वहीं ग्राम पंचायत गगोरी टाड़ा के सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गगोरी टाड़ा देवसागर तक कच्ची सड़क को मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जोड़कर सड़क बनाने की मांग को लेकर पहुंचे हुए थे, जिस पर विधायक ने गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द सड़क बनवाने की लोगों को आश्वासन दिए। कौन गाँव लाए है? हम आए हैं नामक छाले पंचायत है, ग्राम पंचायत बनमल्ला है, वार्ड क्रमांक 10 में हम हवन तो हम बहुत परेशानी है राशन वालम कहा ले जाए तो कहे चाहत हम पर सीमन होकर के हाँ पर सीमन करवा रहे हम चाहत हवन जानकारी मिली कि अभी हो थे अभी हम मोड़ा पंचायत में जुड़ना चाह रहे हैं। लगा हुआ है तो मैं देखने के लिए सुनने के लिए हम लेकिन मेरे शिकायत भी है पिंडम ग्राम पंचायत में 362 आदमी का शौचालय का पूर्व सरपंच ने मेरे पहले का सरपंच सचिव निकाल खा गए और तो कितने बार उसको शिकायत अगर क्वेश्चन हो इसलिए मैं भी आया हूँ सुझाव लेने की विधायक से क्या क्या गया इसके बारे में विधायक साहब से मिले आपको और तो हमारे गांव पंचायत पिंडम में हमको सीसी रोड का दिया आवश्यक है गाँव तो 4000 का हुआ नहीं लेकिन गली में जाओगे तो खचखच किया एकदम सौजन्य मुलाकात करने वाले क्या क्या मांग अभी अभी तो ये है कि वहाँ शौचालय के जो पूर्व पैसे निकाल लिए गए पूर्व सरपंच द्वारा उसको आप वितरण करवाएं। आज ये हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा के जन चौपाल की आज तीसरा महीना है और सवेरे 11 बजे से लेकर अभी लगभग 4:30 हो थे 60-70 आवेदन आ चुके हैं जिनमें शौचालय की समस्या है, हितग्राही मल्ला शौचालय के बाद भी पैसा नहीं मिले, पेंशन की समस्या है, पेंशन 6 महीना 7 महीना हो गए, हमारे वृद्ध माता मल्ला हमारे दिव्यांग मल्ला पेंशन नहीं मिल पाए ऊपर आवेदन आए हैं, कई गांव में पुल किया गया है सड़क के ऐसे आवेदन इसने प्रकार के हमारे बिलाईगढ़ के विविध गांव के अरांचल क्षेत्र के हमारे सरसुमा क्षेत्र के भड़गांव क्षेत्र के क्षेत्र के और बिधौरी क्षेत्र के सबो क्षेत्रवासी मन अपन मांग और समस्या लेके अभी ग्राम पंचायत के परिसीमन में लेके भी नया ग्राम पंचायत बनाया दावा आपत्ति में लेके भी बहुत कम ग्रामवासी मन आए हैं कि गाँव की दूरी और बहुत ज़्यादा है और नया परिसीमन में नज़दीक में गांव है उसने संजीवनी बीमारी से इलाज हेतु मुख्यमंत्री लग पत्र लिखे व भी आवेदन आए हैं तो हमारे क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण होते कि विधायक सवेरे से लेकर शाम तक जन चौपाल लगा के लोगों ने उनकी समस्या सुनाते और समाधान के लिए उच्च कार्यालय का निर्देशित करते तो एकर से एक अच्छा वातावरण निर्मित होते। एकर अलावा भी हम कल मंगलवार के जिला मुख्यालय में जन चौपाल लगाऊँ वहाँ भी जिला भर की जो समस्याएं कल कलेक्टर की भी जनदर्शन रही और हमार भी जन चौपाल रही तो निश्चित है लोगन मन के जो समस्या रही एक पहली बिलाईगढ़ के आदमी मन जाए हमारे यहाँ के लोगन मन जाए बड़ौदा बाजार में तो दर दर भटकत रहे गाँव 100 किलोमीटर दूर से जाते और कोई ठिकाना नहीं कोई रहे के कोई आसियाना नहीं तो एक कार्यालय हमारे एक विधायक के कार्यालय भी खुल गए और का नाम हम बिलाईगढ़ सदन के रूप में देना और बिलाईगढ़ के लोग मन आज शान के साथ अपन कार्यालय में जाई और विधायक जी के जन चौपाल में जाई और समस्या ला विभाग के अवगत कराई जिला मुख्यालय में तो एक अच्छा बिलाईगढ़ में विकास भी दिखी जो आज समस्या है क्षेत्र के सरपंच मन भी आए हैं अभी सरपंच मन के भी कार्यकाल नज़दीक है वह मन काम ला लेके आए हैं तो हम सब ला आश्वस्त करा था आने वाला समय में शिक्षा विभाग में लोक स्वास्थ्य में पीएचई विभाग में बोरिंग की जो समस्या लेके आए हैं तो सबो समस्या के लिए विभाग निर्देशित करे हैं कई गांव के ट्रांसफार्मर जल गए दूसरों समस्या लेके आए हैं हमारे चांदन क्षेत्र के आए हैं वो गांव में लाइने लग काट ले विभाग द्वारा बोला भी हम ई से बात करे हैं तो ये जो समस्या है विधायक के चौपाल में ऐसे समाधान भी होते और विभाग में एक हलचल मचे कि विधायक भी बैठ के दिन भर
विभाग लोग फोन करे थे, पत्र लिखा थे, लोगन में इनकी समस्या सुना थे और काफ़ी एक अच्छा सहानुभूति भी मिला थे, सहयोग भी मिला थे और हमारे क्षेत्र के लोगन मन से भेंट मुलाकात करे के जुड़ाव के एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट ACN 24।